रिमोहन श्रीवास्तव जी, मेरा ये सवाल है, राहुल गांधी जिस आक्रामक तरीके से इस वक्त आप लोगों के ऊपर हमलावर हैं, संविधान की प्रति वहां पर भी वो दिखा रहे हैं, लोकसभा जैसे मुश्किलें पैदा करेंगे आप लोगों के लिए? यहां से हमारे मेहमानों का यही आकलन है उनको लेकर। सीता जी, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ, आपने स्टूडियो के बाहर भी हम लोगों को देखा, धन्यवाद। देखिए, जहां तक आदरणीय राहुल गांधी जी की बात है, वो अपनी बात कह रहे हैं, और हर नेता को, हर पार्टी के नेताओं को अपनी अपनी बात कहने का अधिकार है। हम लोगों ने भी अपनी बात कहना शुरू किया और हम लोग बहुत खुल के इस बात को कह रहे हैं, और इसका सबसे बड़ा उदाहरण आज हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का महाराष्ट्र का दौरा है, जिसमें वो बहुत सारी सौगात लेके महाराष्ट्र के लिए आए हैं, और उससे उन्होंने सीधी तौर से एक संदेश दिया है कि महाराष्ट्र के प्रति वो कितना ध्यान रखते हैं या महाराष्ट्र के प्रति वो कितने संवेदनशील है। यह है संदेश हम लोगों का। जहां तक बात महाराष्ट्र में हम लोगों ने अपनी उपलब्धियों की बात की है, हमारे देश के, हमारे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के आदरणीय नेता अजीत दादा पवार ने खास तौर से महिलाओं के लिए जो शुरुआत की है, हर महिला के खाते में 1500 रुपए आएंगे, किसानों को 7 हॉर्स पावर तक की जो छूट है वो दी जाएगी, बेरोजगार बच्चों के लिए उनको भी स्टाइपेंड दिया जाएगा। इसके अलावा जो विकास से संबंधित बातें हैं उनके ऊपर हम लोगों ने लगातार फोकस किया है। आज महाराष्ट्र की इकोनॉमी इस समय इस देश में सबसे बेहतर इकोनॉमी में से जानी जाती है। उसके पीछे कारण क्या है कि महायुति की सरकार ने अपने इस छोटे से कार्यकाल में सतत लोगों की सुविधाओं के लिए, लोगों के जीवन यापन को, जीवन को ऊंचा उठाने के लिए, और जो एक जो बेसिक जो सुविधाएं हैं उनकी बढ़ोतरी करने के लिए काम किया है। हमारा एजेंडा बहुत स्पष्ट है और इसी एजेंडे को लेकर हम लोग लोगों के बीच में जा रहे हैं, और उसको लेकर बहुत हम लोगों को जन समर्थन भी मिल रहा है। ठीक है, जहां तक बात आदरणीय राहुल गांधी जी जो कह रहे हैं, उनका अपना एजेंडा है, उस एजेंडे पे वो बात कहना चाहते हैं, वो कहें, उसका जवाब हम लोगों के पास है। हम लोग अपना एजेंडा तय कर चुके हैं, और यही कारण है कि महाविकास अघाड़ी के सारे लोग लाडली लक्ष्मी योजना का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि ये वो एजेंडा है जिसके कारण अब उनको फिर से जीतना बहुत कठिन होगा। महेश चव्हाण जी, लाडली बहना योजना ने मध्य प्रदेश में किस तरह से बीजेपी का क्लीन स्वीप किया था, और वहां पर इसी तरह की जो योजना चल रही है उसके आधार पर इनका ये दावा है कि वहां पर भी एनडीए की किस तरह सरकार बनेगी, अपने कामकाज भी गिना रहे हैं, फिर कौन से मुद्दे होंगे जिस पर घेरेंगे आप लोग इन्हें? चित्रा जी, देखिए, पहली बात तो लाडली बहना योजना चुनाव के मुंह पर और 10 साल केंद्र में बीजेपी सत्ता में रहने के बाद और महाराष्ट्र में लगभग 7.5 साल सत्ता में रहने के बाद उनको ऐसा लगा कि हम लोग महिलाओं की स्थिति सुधार नहीं सके 10 साल में और 7.5 साल में, इसलिए जाते जाते महिलाओं की स्थिति सुधारने के लिए उनको ये लाडली बहना योजना लानी पड़ी, और वो भी जाते जाते चुनाव के मुंह पर। ये ध्यान में रखने की जरूरत है। दूसरी बात, इस अभी आपने श्रीवास्तव जी को सुना होगा, उन्होंने क्या कहा कि हमारे अजीत दादा ने ये योजना लाई है महिलाओं के लिए, लेकिन यही तो मामला है, महायुति में झगड़े हो रहे हैं, इन पर विवाद हो रहा है कि ये योजना किसके नाम से ली जाए। अभी मुख्यमंत्री का नाम लिया ही नहीं जाता, इस योजना का नाम मुख्यमंत्री माझी लाड़की बहन योजना ये है, और इसके ऊपर इन पर वाद हो रहे हैं। इनमें कभी कभी मुख्यमंत्री बोलते हैं अजीत दादा को, अरे आपने बैनर लगाया उसमें मुख्यमंत्री वर्ड निकाल दिया। फिर अभी देवेंद्र फडणवीस जी कहते कि ये हमने लाई, चीफ मिनिस्टर कहते कि वो उन्होंने लाई, अजीत पवार कहते कि ये इन्होंने लाई। कुछ भी कीजिए, अगर आपकी आपके राज में आपको 10 साल में 7.5 सालों में महिलाओं की स्थिति सुधारने नहीं आई तो इस योजना से उसका कुछ फायदा नहीं होगा। लोगों को मालूम है, बहनों को मालूम है किसे वोट देना है और कौन उनका भला कर सकता है। दूसरी बात, यहाँ पर बात हो रही थी छत्रपति शिवाजी महाराज जी की, सावरकर जी की। छत्रपति शिवाजी महाराज और सावरकर जी जो महान हुए, महान मतलब लोग हुए, ये किस वजह से हुए? क्योंकि उन्होंने जनता की, लोगों की जो सेवा की, जनता का जीवन स्तर सुधारने के लिए उन्होंने जो काम किए उसलिए वो बड़े हो गए। तो अभी के जो नेता है वो उन पर बात करके राजनीति करते हैं तो वो गलत है, क्यों कर रहे हैं? उससे अच्छा अभी जनता के जीवन मान सुधारने के लिए, अभी लोगों का जीवन मान सुधारने के लिए क्या करना चाहिए, क्या प्रयास करनी चाहिए, इस पर बात होनी चाहिए, इस पर बहस होनी चाहिए। ठीक है। और तीसरी बात, और मैं जवाब ले लेती हूँ। गुलाबचंद दुबे जी बहुत देर से हमारे साथ हैं, शिंदे सेना के, सीधे उनका रुख करते हुए उसके बाद शहजाद जी मैं आ रही हूँ आपके पास। गुलाबचंद दुबे जी, सीधा सा सवाल है, ये जो मुख्यमंत्री के नाम से जितनी भी योजनाएं चलाई जा रही है, अब आपके लिए तो बड़ी विकट स्थिति है। एक तरफ बीजेपी है, उसके बड़े नेताओं की अपनी महत्वाकांक्षा, अजित पवार गुट उनकी अपनी अलग महत्वाकांक्षा, तो शिंदे गुट कहाँ खड़ा है जो सवाल इनकी ओर से खड़े किए गए हैं कि मुख्यमंत्री की योजना है लेकिन अजित दादा पवार चला रहे हैं, इस तरह का कैंपेन भी चल रहा है महाराष्ट्र में?
इस शारदे नवरात्र के शुभ अवसर पर बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं आप सभी चले बैठे हुए सभी बंधुओं को, साथ में आपको भी। मैं सीधे सीधे चित्रा जी आना चाहता हूँ इन विषयों पे। ठीक है, मैं अपने बात आपके बात का जवाब जरूर देना चाहूंगा। छत्रपति शिवाजी महाराज, वीर सावरकर, बाबा साहब आम्टे, लोकमान्य तिलक, महात्मा ज्योतिबा फुले, नामदेव संत, इन जैसे सीमाओं में रह करके इनका अपमान करना ठीक नहीं है। ये मात्र महाराष्ट्र के नायक नहीं बल्कि संपूर्ण राष्ट्र के कुल नायक हैं। जहां तक जिस ढंग से राहुल गांधी जी ने कोल्हापुर में आकर के छत्रपति शिवाजी महाराज का राग अलापा है, उन्हें कर्नाटक और मध्य प्रदेश देखना चाहिए। उस अपमान के लिए महाराज सुसज हो चुके हैं, उनको जवाब देगी आने वाले विधानसभा चुनाव में। रही बात आपका आपका मेरे ऊपर प्रश्न यह है कि इस समय शिवसेना कहाँ खड़ी है? शिवसेना वही खड़ी है जहां लोकसभा में खड़ी थी। जिस ढंग से हमारा स्टैगरेट शिंदे गठ और शिवसेना, जो ओरिजिनल शिवसेना है, जो खड़ी हुई और जो देश और राष्ट्र महाराष्ट्र को अपना रूप और स्वरूप दिखाया, वही में हम खड़े हैं चित्रा जी। इसमें कोई संदेह नहीं है कि आज हम हमारी किसी भी परियोजनाओं अरे योजनाओं को झगड़ा तो लेकर नहीं के चल रहा है भाई एनडीए में? के सवाल यह है कि योजना मुख्यमंत्री के नाम से चित्रा आए, उसका श्रेय लेने के होड़ में दूसरे लोग लग जाएं, तकलीफ तो होती होगी ना गुलाब चंद जी, इसे कैसे इनकार करेंगे आप? अब अगर जी, मैं महायुति महेश चव्हाण जी की बातों को देखूं, उन्होंने जो अजित पवार गुट को लेकर बातें कही हैं वो तो सच है, उनका चुनावी कैंपेन चल रहा है, इसके लिए लोग बकायदा वहां पर रखे गए हैं, अलग अलग वीडियोज जिस तरह के अजित पवार के सामने आ रहे हैं, तो ये तकलीफ देह बात तो हो सकती है ना आपके लिए। महाविकास आगाड़ी में चित्रा जी भी होने के और आशुतोष जी पूछ रहे हैं कि अजित पवार रहेंगे साथ में या चले जाएंगे? बिल्कुल हमारे साथ रहेंगे, हमारे साथ अजित चित्रा पवार जी, ये बड़ा अन्याय हो रहा है, आप मुझसे हमारी महायुति में रहेगी, हमारे युति में किसी प्रकार कोई संशय नहीं। वो हमारे चौहान साहब उस चीज का चिंता करें। ठीक है, हम लोगों का ब्लूप्रिंट तैयार हो चुका है चित्रा जी, आने वाले विधानसभा चुनाव में हम लोग सुसज्ज हो चुके हैं, इनके अंदर मतभेद है, ये चिंता करें, हम लोगों को किसी प्रकार की चिंता नहीं। ठीक है, आज बात जब छत्रपति शिवाजी महाराज की बात आई, इन लोगों को छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में बोलने का अधिकार नहीं। मैं जानना चाहता हूँ, देश से जानता हूँ, मैं देश को बताना चाहता हूँ कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने हिंदी स्वराज पर कल्पना की और राहुल गांधी जी छत्रपति शिवाजी के उनके ऊपर ये कह रहे हैं, जिसके लिए संविधान का ग्रंथ दिखा रहे हैं, संविधान का ग्रंथ रख करके लोकसभा में जनता को गुमराह कर चुके, जनता अच्छी तरह जान चुकी, इस बार महाराष्ट्र के विधानसभा में जनता गुमराह नहीं होगी, एक बार पुनः महायुति की सरकार बनने जा रही है। ठीक है, अब पुनः हम सत्ता में। संजना जी आप इसका जवाब दीजिएगा, शहजाद जी बहुत देर से हाथ उठा रहे हैं, मैं उनका जवाब ले लेती हूँ क्योंकि बहुत सारे सवाल बीजेपी की ओर खड़े किए गए थे, आप जवाब दे दीजिए शहजाद जी, उसके बाद भी जा रहे हैं संजना जी। मैं केवल एक मिनट लेकर शहजाद जी को बोलने नहीं दीजिए, मैं आ रही हूँ आपके पास, चित्रा जी शहजाद जी क्या को बोलने तरीका है दीजिए, फिर भाई आप जो ओरिजिनल नहीं होता संजना है जी ना, प्लीज बार बार हम ओरिजिनल है, हम ओरिजिनल है बोलना पड़ता है, ठीक तो है, वैसे बात वो कर रहे हैं चित्रा जी, क्या शहजाद जी, क्या तरीका है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं इतनी संजना जी का ऑडियो डाउन कर दीजिए उनकी आवाज, संजना जी मैं आ रही हूँ आपके पास, आप जवाब दीजिएगा, बोलिए शहजाद जी, परेशान मत होइए, मेरे पास 8 लोग हैं, सभी को मैनेज करना है, प्लीज आप अपनी बात रखें। उन 8 में से 6 लोगों का जवाब मुझे देना है तो मुझे भी तो समय दीजिए ना आप, बोलिए बोलिए। अब मैं एक एक करके जवाब देता हूं। ये जो बोल रहे हैं महायुति, हाँ महायुति में जो लोग आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं, जरा अपने महाविभाजन अगाड़ी पर ध्यान दीजिए, उद्धव ठाकरे जी दिल्ली तक आए थे कि मुझे मुख्यमंत्री घोषित करो, क्या स्टेटमेंट था शरद पवार जी का और सुप्रिया सुड़े जी का और नाना पटोले जी का, और नाना पटोले जी बाला साहेब थोरात के साथ बैठ जाए एक बार ठीक से, वही बड़ी बात और उपलब्धि होगी उनकी। किसने कैंडिडेट दे दिया था एमवीए के कैंडिडेट के खिलाफ और किसने सांगली में जिताकर उसको अपनी पार्टी में शामिल कर दिया था, छोड़ देते इस विषय को। आज आते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज पर, जो देवेंद्र फडणवीस जी ने कहा, वैसे तो यहां पर कुछ पैनलिस्ट इतिहास की किताबें लेकर आते हैं पर उनको नहीं पता नेहरू जी ने क्या बोला था छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में, मैं पढ़कर सुनाता हूं जी। शिवाजी, छत्रपति नहीं, शिवाजी के कुछ कृत्य जो कि एक ट्रेचरस किलिंग था बीजापुर जनरल का, किसका, अफजल खान के बारे में बोल रहे हैं, उसने उनको बहुत हमारे एस्टिमेशन में कमतर कर दिया। नेहरू जी 1934, सोर्स जवाहरलाल नेहरू ग्लिम्सेस ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री अलाहाबाद किताबिस्तान 1934 एडिशन, डिस्कवरी ऑफ इंडिया में भी बहुत कुछ लिखा है नेहरू ने, और मैं बोलता हूँ वो छोड़ दीजिए। आशुतोष जी को दिखाइए जरा, यही सवाल पूछ रहे थे, किताब किताब का नाम पूछना चाह रहे थे, सुनिए मेरी बात, उनके उनके शहजाद जी की बात हो जाए, वो जो कि किताब के साथ सामने आए चित्रा जी, ठीक है बोलिए शहजाद, किसी का नाम मैंने किसी का नाम नहीं लिया,
चित्रा जी, मैंने किसी का नाम नहीं लिया, आप खामखा के आग मत लगाइए। कर्नाटका कांग्रेस ने विरोध किया था छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का। कांग्रेस पार्टी ने जी, कांग्रेस पार्टी ने उस्मानाबाद का नाम, कांग्रेस पार्टी ने, अब आपने शहजाद जी आपकी बात से मुझे पता है आप महाराष्ट्र से आते हैं और सारी बातें आप बोलना चाह रहे हैं। मैं यहाँ आग लगाने के लिए नहीं, बुझाने के लिए बैठी हूँ, लेकिन मेरा ये सवाल है, आशुतोष जी ने कहा कि देवेंद्र फडणवीस को किताब का नाम बताना चाहिए था कि आखिर नेहरू ने शिवाजी का अपमान कहा किया, आपने उसका जवाब दे दिया। अरे मेरा तरीका सुनिए शहजाद जी, आप तय नहीं करेंगे, मैं तय करूंगी कि कैसे डिबेट संचालित होगा। प्लीज शहजाद पूनावाला जी, अगर आप मेरे ऊपर व्यक्तिगत टिप्पणी करेंगे तो आपको सुनना पड़ेगा। प्लीज शहजाद पूनावाला जी, उन्होंने कहा किताब और किताब के पब्लिस्ट का नाम बताइए, आप अगर नाम बता रहे हैं वो ऑन एयर नहीं है तो मैं कहूंगी ना कि आशुतोष जी को ऑन एयर जरा दिखा दीजिए, यही पूछ रहे थे शहजाद, उसका जवाब दे रहे हैं। आप बात को कहां से कहां लेकर गए, उनका चेहरा चमका दिया ऑन एयर, अब मैं अपनी बात पूरी कर लूं। चेहरा तो आपका भी चमका रही हूं शहजाद जी, बोलिए, चेहरा आपका भी चमक रहा है, बोलिए। इस तरह की व्यक्तिगत टिप्पणी मुझे लगता है बचना चाहिए मेरी बात को प्लीज। ये देखिए महिला विरोधी, ये महिला विरोधी टिप्पणी आप चित्रा जी के ऊपर, आप चित्रा जी एंकर के ऊपर आप टिप्पणी करिए, ठीक है, गलत बात है ना। बोले शहजाद जी, अपनी बात आप पूरी कर लीजिए, मुझे लग रहा है कि इतना आतुर और अधीर होने की जरूरत नहीं है, और व्यक्तिगत टिप्पणी मैं इसकी इजाजत नहीं दे सकती, आप अपनी बात पर आइए। संजना जी प्लीज, संजना जी, संजना जी मैं आ रही हूँ आपके पास, एक बार उनकी बात पूरी हो जाए। शहजाद पूनावाला जी, मैंने अभी नेहरू ने क्या बोला है, नेहरू ने क्या बोला है छत्रपति शिवाजी महाराज का सोर्स के साथ बताया है, उसके अलावा मैं बताना चाह रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी ने विरोध किया था जब जॉर्ज के क्रॉस को हटाकर हमने छत्रपति शिवाजी महाराज के साइन को नेवल एनसाइन में रखा। कर्नाटका कांग्रेस ने छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का ऑन रिकॉर्ड विरोध किया था। कांग्रेस पार्टी ने जब उस्मानाबाद का नाम धराशिव रखा गया, अहमदनगर का नाम अहिल्यानगर रखा गया, जब औरंगाबाद का नाम संभाजीनगर रखा गया, एनसीपी और कांग्रेस ने ऑन रिकॉर्ड आकर उसका विरोध किया है। आज मैं पूछना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी बताए उनका ऑफिशियल स्टैंड इन चीजों पर क्या है। दूसरी बात मैं पूछना चाहता हूं, जो कह रहे ना छत्रपति शिवाजी महाराज आज की बात होनी चाहिए, विकास की बात होनी चाहिए, उन्होंने सावरकर जी के विषय में कहा कि सावरकर जी फंडामेंटलिस्ट थे और जिन्ना फंडामेंटलिस्ट नहीं थे। इसका प्रॉपर आंसर मुझे ना यूबीटी सेना से मिला, ना एनसीपी महेश चौहान जी से, शरद पवार फैक्शन से मिला, कि क्या सावरकर जी के बारे में जो अपमानजनक टिप्पणी दिनेश गुंडूराव ने की उस पर क्या स्टैंड है। तीसरी बात, संविधान की बात हो रही है तो संविधान का सबसे मेन पॉइंट था कि 370 हटाकर बाबा साहेब आंबेडकर जी का संविधान पूरे देश में लागू हो, जो कि जम्मू कश्मीर में हुआ और यह यूबीटी सेना उसका समर्थन करती थी। आज एनसी और कांग्रेस ने उसका विरोध जम्मू कश्मीर में किया, उस पर भी यूबीटी सेना ने एक शब्द नहीं बोला। और चौथी बात, कम से कम हमारी स्कीम तो वो है जो 1500 रुपए महिलाओं को देती है, हमने वो स्कीम नहीं लाई है जिसमें कि टॉयलेट पर टैक्स लगाते हैं, उसका नाम आप राहुल गांधी पर रखिए। और आशुतोष जी, यदि आपको लगता है मैंने किसी महिला का यहां पर अपमान किया या जिसने भी यह टिप्पणी की, तो आज कांग्रेस पार्टी की रैली में दीपेंद्र हुड्डा के सामने सोनिया दुहन, जो एनसीपी शरद पवार फैक्शन में रहती थी, उनको सरेआम छेड़ने की कोशिश की गई, और यह बेशर्मी से बैठे हुए कांग्रेस के और बाकी के प्रवक्ता ने एक ट्वीट उस पर नहीं किया, वो सुप्रिया श्रीनेत ने कुछ नहीं बोला। और चित्रा जी, मैंने आप पर कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं की, आपको यदि आपका शो जो है सबको साथ में लाना है तो उसका नाम दंगल से बदलकर कुछ मंगल कर दीजिए, दंगल से मंगल कर दीजिए फिर। अब ये तो कोई बात नहीं हुई, दंगल से बदल के मंगल कर दीजिए। देखिए मुझे एक सेकंड आशुतोष जी प्लीज, मुझे नहीं लगता है कि शहजाद पूनावाला के इन हल्की बातों पर मुझे किसी भी तरह की कोई टिप्पणी करनी चाहिए। आशुतोष जी नहीं, मुझे लगता है कि आप जब नेहरू जी के बारे में बातचीत करते हैं, निश्चित तौर पर मैं उसको चेक करूंगा, मैंने चूंकि देखा नहीं, मैं इस बारे में टिप्पणी नहीं करूंगा। दूसरी बात, आप दूसरी बात, कोई लेना देना, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं कि गुरु गोलवलकर ने जो भारत के संविधान के बारे में टिप्पणी की थी उस पर भारतीय जनता पार्टी की क्या राय, उन्होंने कहा था कि, और तिरंगे के बारे में कहा था कि ये तो अपशकुन है, इसको भारत के लोग कभी स्वीकार नहीं करेंगे, इस पर उनकी क्या राय है? वो तो ठीक है, लेकिन वो तो किताब और पृष्ठ के नाम के साथ आपको जवाब दे रहे थे, आपने सवाल पूछा था शहजाद जी ने जवाब दिया। दुनिया को मालूम है, बाबा साहब अंबेडकर ने कहा था कि हिंदू राष्ट्र जो है ये देश के लिए सबसे खतरनाक, हर हालत में रोकना चाहिए। अभी तो शिवाजी महाराज और पंडित नेहरू की बात हो रही थी ना, पंडित नेहरू और शिवाजी महाराज की बात हो रही थी, आपने सवाल खड़े किए, वो पृष्ठ के साथ आपको जवाब दे रहे थे। सरदार पटेल ने कहा था कि हिंदू राष्ट्र का विचार एक पागलपन है, क्या हिंदू राष्ट्र सवाल पूछा था, आपने सवाल पूछा था कौन सी किताब है, कौन सा प्रश्न है, उन्होंने जवाब दे दिया, आपको मिल गया ना जवाब। इस्लामिक थियोलॉजी के रहते हुए हिंदू मुस्लिम एकता हो ही नहीं सकती है, अपने हिसाब से अंबेडकर, ये तो अंबेडकर ने भी कहा।
थियोलॉजी की बात कही ना? नहीं 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 इस्लामिक थियोलॉजी तो हिंदू राष्ट्र देश के लिए बहुत खतरनाक बात होगी। अरे हालत रोकना होगा, नहीं रोकने की जरूरत है, उसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। अरे आप तो आग लगा दिए बाबा साहब अम्बेडकर के, देश को बर्बाद कर दिया। की बात है राहुल गांधी जैसे व्यक्ति को जातिवादी राजनीति को खड़ा कर रहा है, पागल विचार है, तो देश को बर्बाद कर दिया। मैं तो कह रहा हूँ ना, सरदार पटेल ने कहा था हिंदू राष्ट्र की बात एक पागल विचार है। अब इन्हीं आरएसएस को सरदार पटेल ने कहा था देशभक्त संगठन है, सरदार पटेल देशभक्त संगठन है, सरदार पटेल ने बैन लगाया था, सरदार पटेल ने बैन लगाया था, गिरफ्तार किया था, गिरफ्तार किया था आपके लोग गांधी जी की हत्या के बाद। नेहरू ने लेकिन इन सारे मुद्दे पर फिर से चुनाव होगा क्या, मेरा ये सवाल है। ठीक है संगीता जी, आशुतोष जी, लेकिन आप बार बार कह रहे थे कि नेहरू जी ने कहा अपमान किया, मैंने तो कहीं पढ़ा नहीं, तो उन्होंने जवाब तो दे दिया है ना आशुतोष जी। जो सजाद पुना वाला कह रहे हैं मैं उसको जाके पढ़ूंगा, पढ़ने के बाद मैं बात करूंगा। मैंने चूंकि नहीं पढ़ा इसलिए मैं इस बारे में कोई टिप्पणी नहीं कर रहा। दूसरी बात क्या है, मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं कि महाराष्ट्र का चुनाव न तो नेहरू के ऊपर होगा, न शिवाजी के ऊपर होगा, न सावरकर जी के ऊपर होगा। महाराष्ट्र का चुनाव इस पर होगा कि पिछले 5 साल के सरकारों ने क्या काम किया या काम नहीं किया। राहुल गांधी की जो वापसी बात पर थी तो उसमें टिप्पणी नहीं कर सकते वहां पे, इस डिबेट में वहां नहीं कर सकते। शिवसेना के एक नेता है जो कहते हैं मैं, ठीक है, ठाणे की रैली में पीएम मोदी का बड़ा बयान सामने आया है। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज अपने दर्शकों को दे दें, हम बट गए तो बांटने वाले जश्न मनाएंगे, ये कहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, बटेंगे तो बांटने वाले महफिल सजाएंगे। ठाणे की रैली में ये बड़ा बयान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से दिया गया है। आपको बताते चले कि आज नवरात्र का तीसरा दिन है, सुबह सवेरे जाके मां जगदम्बा की पूजा अर्चना उनकी ओर से की गई, उसके बाद उन्होंने वहां पर नगाड़े भी बजाए जो कि माना जा रहा है चुनावी मद्देनजर यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये जो ताबड़तोड़ और वाशिम में जाकर आपको बताते चले कि उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर हमला बोला, ड्रग्स रैकेट का सरगना कांग्रेस का नेता है, इस तरह से कई आरोप लगाए। और अब उनका ये कहना है सावरकर के अपमान पर वो चुप रहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सावरकर का नाम लेकर कहा कि सावरकर का जब भी अपमान होता है वो चुप रहते हैं। ठाणे की रैली में ये बड़ा बयान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का और सबसे बड़ा बयान, बटेंगे तो बांटने वाले जश्न मनाएंगे, ये बहुत बड़ा बयान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यहां पर निकलकर सामने आया है। संजना जी, इस पर जल्दी से आपकी टिप्पणी, पीएम के बयान बांटने के बाद कैसा जश्न होता है ये मोदी जी को और यहाँ के बीजेपी वालों को बताने की जरूरत नहीं, उन्होंने वही नींव बनाई है तो उसका सामना भी उन्हें करना पड़ेगा। अभी अजीत दादा पवार के उनके गट के नेता यहाँ पे बीजेपी के बारे में बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे योजनाओं के बारे में, मैं बता दूं वाशिम में तो ऐसे हुआ है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले उसके ऊपर राय दी। अजीत दादा पवार गट के आमदार को भी उनके प्रोग्राम में बुलाया नहीं गया है, तो एक जगह पे उनके अंदर भी क्या चल रहा है जरा वो जाके देखिए। मैं कहना चाहूंगी कि 15 बोलिए बोलिए, आवाज आ रही है, आ रही है आवाज, बोलिए। 15 लाख के 1500 हो गए, जीएसटी टैक्स ने लोगों की कमर तोड़ दी है, गैस सिलेंडर 400 से 1200 के ऊपर चला गया, 3 गुना भाव लोग दे रहे हैं एक सिलेंडर का, और ये बात कर रहे 3 सिलेंडर मुफ्त देने की, महिला सुरक्षितता मारे डबल इंजन ने क्या क्या काम किया है ये भी तो गिना रहे हैं संजना जी, फिर कैसे आप लोग वहां पर जवाब दे पाएंगे, ये बड़ा सवाल है ना। और हिंदुत्व के मुद्दे पर यकीनन कई ऐसे मोर्चे रहे जहां पर कांग्रेस एनसीपी से उद्धव गुट की जुबान अलग रही, तो कैसे फेस करेंगे, यही तो बड़ा सवाल है विधानसभा में। बहुत महत्वपूर्ण टिप्पणी यहां पर राजनीतिक विश्लेषक आशुतोष जी ने की है कि सिर्फ हिंदुत्व का मुद्दा जो लेके जाकर लोगों की दिशा बोल लोगों का। चलिए वक्त हमें इतने की इजाजत देता है, आप तमाम मेहमानों का बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। महाराष्ट्र की सियासत किस करवट बैठेगी देखना दिलचस्प रहेगा, लेकिन यकीनन शिवाजी के मामले को लेकर दोनों ही तरफ से आरोप